खबर मध्य प्रदेश आज से एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आपको शहर के चर्चित पार्षदों से रूबरू करवाया जाएगा। क्योंकि हमारा शहर स्वच्छता का शहर है, इसलिए हमारी श्रृंखला की शुरुआत भी शहर के एक ऐसे ही वार्ड से हो रही है, जिसका स्वच्छता की हैट्रिक में सबसे अहम योगदान है। वह वार्ड जहां कचरा पेटियों की जगह अब सेल्फी पॉइंट ने ले ली है, और एक सड़क तो इतनी साफ और सुंदर है कि उस पर बैठकर खाना तक खाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 45 की, जहां से श्री दिलीप शर्मा जी पार्षद हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए मनीष लाखन ने श्री शर्मा से की विशेष बातचीत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, अगर इंदौर ने सफाई में, साफ सफाई और स्वच्छता में अगर हैट्रिक लगाई है, तो उसमें वार्ड नंबर 43 का बड़ा योगदान है, जिसके पार्षद आप हैं। तो सर, ऐसी सड़कें भी यहाँ पर हैं जो प्रदेश में कहीं पर नहीं है, बेहतर ऐसी सड़कें जिन पर बेहतर भोजन किया जा सकता है। तो सर, किसका विचार था और कैसे सफल बनाया? देखिए, मैं जब यहाँ पार्षद बन के आया, ये हमारा पूरा पॉश एरिया है इंदौर का। जिस सड़क पर हम लोग अभी बैठे हैं, ये गेटर कैलाश रोड है हमारी, गजानन त्रिवेदी मार्ग बोलते हैं। ये रोड हमारे इंदौर का हृदय स्थल है। हजराना गणेश मंदिर भी यहीं से जाती है इंदौर की जनता, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, और करीब 300 से कॉलोनियों के लोग यहाँ से निकलते हैं, 300-400 कॉलोनियों के। मन में आया, हमने 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए। पिछली बार भी हमारे वार्ड ने, हमारे यहाँ के जो गार्डन है, अगर आप देखेंगे सभी के बगीचे डेवलप हैं। पिछली बार भी श्रीनगर एक्सटेंशन का बगीचा हमारा फर्स्ट आया था सर। उसी तरीके से हमने इस साल इस रोड को कंप्लीट किया। ये मैं दावे से बोल सकता हूँ कि इंदौर तो क्या, मध्य प्रदेश की ऐसी स्वच्छ और सुंदर रोड है जिस पर बैठकर हम भोजन कर सकते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बोला था कि एक रोड ऐसी होना चाहिए जिसमें हम बैठ के भोजन कर सकें, और उन्हीं से ये प्रेरणा ली थी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस रोड को ऐसी बना रहे हैं जिसमें बैठ के भोजन कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ हमने सब चीज़ें, फुटपाथ बहुत सुंदर बनाए हैं, आप डिवाइडर देखिए, उसमें फूलों का जो कॉम्बिनेशन लगाया है, फुटपाथों पे छोटे छोटे गार्डन डेवलप किए हैं, सिटिंग पे जहाँ हम बैठे हैं, ये बेंचे, सुंदर बेंचे लगाई है, लाइटिंग लगाई है, पोलार्ड पोल लगाए हैं, LED लाइट है पूरे रोड पे, यहाँ देखिए दीवार बना रहे हैं, फूड ATM है। यहाँ देखिए, हर चीज़ जो एक आवश्यकता होती है कि किसी के होटल से अगर खाना बचा तो वो यहाँ रख के चले जाएगा, यहाँ एक हर गरीब आदमी यहाँ से भोजन कर सके। लेकिन की दीवार जो हम बना रहे हैं, वहाँ कोई भी अपना कपड़ा उतार के वहाँ रख देगा, जो भी उसके घर में बचा है या नहीं पहनता है, किसी गरीब को उसकी आवश्यकता वहाँ से ले जाएगा, वहीं रख जाएगा, दूसरा रख जाएगा। ये सब चीज़ें हमने यहाँ एक गरीब का भी ध्यान रखा गया है, और एक सीनियर सिटीजन बच्चे के लिए अच्छे अच्छे फाउंटेन लगाए हैं जहाँ बच्चे घूमने आ सके, सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ बैठ के बात कर सके आपस में। स्टूडेंटों के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि अगर वो घर में नहीं, तो कभी कभी सुबह सुबह बहुत साइलेंट रोड रहता है ये, तो सुबह सुबह वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ बैठ के, बेंचों पे लाइटिंग है सब। तो ये सब चीज़ों की हमने कोशिश की है। इस रोड पे 25 तारीख को हम इसका लोकार्पण करेंगे। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का उसको जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिन पर इसका लोकार्पण। देखिए, जनता काम मांगती जी, और हमारे जैसे लोग अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ते हैं। मैं पहले दूसरे वार्ड में, आप OBC हो गया, मैं इधर आया, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप जनता के बीच में अगर काम करेंगे, पब्लिक के बीच में काम करेंगे, पब्लिक आपका साथ देगी। पिछली बार भी हम यहाँ से लड़े, पब्लिक ने साथ दिया। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, पब्लिक की अपनी जो मूलभूत सुविधा वो आप उन्हें उपलब्ध कराइए। जनता के काम, अच्छे गार्डन बनाइए, अच्छी रोडें बनाइए, अच्छा सीवरेज डालिए, लाइनें डाली है, अच्छे गार्डन बनाइए। जब ये सब काम हम पब्लिक के करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि पब्लिक आपको चुनेगी, पब्लिक आपको फिर चुनेगी। कार्यकाल पूरा हो रहा है, पर मैं दावे से फिर एक चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इंदौर के 85 वार्डों में आप हमारे वार्ड में घूम लीजिए, वहाँ की जनता का फीडबैक ले लीजिए। मैं अपने मुझसे अपनी तारीफ नहीं करूँगा, पब्लिक करे तो ठीक है, आप घर घर जाइए, पब्लिक से पूछिए कि आपका पार्षद कैसा, उसने काम किया कि नहीं, वो जनता बताएगी।
मैंने अपने जीवन में राजनीति में जनता को के अंदर भगवान को देखा है। मैं बोलता हूँ कि ईश्वर कहीं है तो हम नेताओं के लिए पब्लिक में ही ईश्वर है। और जब हम जनता में भगवान को देखते हैं, जिस तरह हम भगवान की के काम करते, भगवान की पूजा पाठ करते, इस तरह से हमें जनता के भी काम करना चाहिए। जब हम जनता के काम करेंगे तो जनता भी हमें फिर चुनेगी और फिर मौका देगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जनता के लिए ना पार्षद हूँ ना नेता हूँ, एक परिवार के सदस्य बनकर हमेशा काम करता हूँ। एक चौकीदार है हम जनता की, वार्ड का उन्होंने चौकीदार बनाया है कि हमारे वार्ड की चौकीदारी करो और अच्छा काम करो, वो कर रहे हैं। और इन्हीं सब हमारे जो काम है, विकास है, उसको लेकर फिर जनता के बीच में जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की परिषद इस इंदौर नगर निगम में बनेगी, हमारा महापौर बनेगा और फिर हम शहर का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा पूरा। उसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप देखिए, जब से मैं 5 साल से इस विभाग का प्रभारी हूँ, इंदौर के बहुत सारे लेफ्ट टर्न हमने छोड़े किए हैं, फुटपाथों को कई जगह हमने छोटा करा है, रोड़े चोरी की है, कई जो रोड़े छोटी थी उनको चोरी करी है। लेफ्ट टर्न इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है और हमने करीब जो मेन चौराहे हैं, चाहे वो सत्यसाई चौराया हो, बॉम्बे फुट चौराया हो, बूटी कोटी चौराया हो, विजयनगर चौराया हो, खजराना चौराया हो, जो मेन शहर जहाँ से जहाँ काफी में बंगाली में फ्लाई ओवर बन रहा है, भूसा गेड़ी में फ्लाई ओवर बन रहा है, तो बहुत सारे काम हमने इस पर किए हैं। पर मैं हाँ इस बात को चुनौती मानता हूँ कि यातायात में अभी भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। इस शहर में जिस शहर तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, उस तेज़ी से हमें यातायात पर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में वाकई एक चुनौती है और इस पर और काम करने की आवश्यकता है, और काम करेंगे जिससे कि शहर का यातायात सुचारू रूप से चल सके। देखिए काम करेंगे ना, जैसे इस रोड पर बैठे हैं, यहाँ साकेत चौराहा था, ट्रैफिक जाम होता था, आप देखते थे रोज, हमने यहाँ सिग्नल लगा दिया, लेफ्ट टर्न चौड़े कर दिए, शाम को बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। अभी सिग्नल चालू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ 2-4 दिन हम सिग्नल भी चालू कर रहे हैं, तो वहाँ यातायात बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। और वैसे भी ये साकेत चौराहे से केटार चौराया मेरे अपने सपनों की रोड है, मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि इस रोड को इतनी सुंदर बनाई जाए और मैं इस शहर की जनता को, हमारे महापौर जी को, निगम आयुक्त को और पूरी नगर निगम की जो हमारी टीम है, हमारे माननीय विधायक महेंद्र आर्या जी को, सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, इसमें सबका सहयोग था, हमारी पूरी निगम की टीम लगी, महापौर जी, विधायक जी, सबसे आशीर्वाद मिला और आज ये रोड हम ऐसी बना पाए, हमारे सांसद जी का, सबका, तो आज ऐसी रोड बन रही है कि बाकी इस शहर का जब भी कोई नागरिक यहाँ से निकल रहा है तो वो बाहर जाके इसके फोटो खींच रहा है, सेल्फी खिंचा रहे हैं और बोले भैया उस रोड पे जाओ कितनी अच्छी बनी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद की उपलब्धता है, हम लोगों ने काम किया है, जनता का दिल जीता है और आगे भी ऐसा ही काम करेंगे जिससे इस शहर की जनता के बीच में हम जा सकें, अच्छा काम कर सकें। सर, खबर मध्य प्रदेश से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ये रोड जरूर देखिए आप भी घूम के, आपको बड़ा आनंद आएगा, आप महसूस करेंगे क्योंकि आपका चैनल है, पूरे सब जगह चलता है, तो ये पूरा मध्य प्रदेश में ऐसी रोड कहीं आपको नजर नहीं आएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।